तो गाइस आप लोगों को पता ही होगा जो कि मैंने कल एक वीडियो बनाया था कि भाई अपन लोग जीजी माउस प्रो का न्यू अपडेट आ चुका है, तो उसमें आप लोग को यहाँ पे कुछ भी ग्लिच यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे बहुत लोग कह रहे हैं ना कि भाई ये तो झूठ बोल रहा है, भाई वर्क ही नहीं कर रहा। अब गाइस आप लोग यार पूरा वीडियो देखोगे नहीं तो भाई कैसे वर्क करेगा, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि भाई अगर स्किप कर दिया ना भाई आप लोगों ने, तब आप लोग के फ़ोन में बिल्कुल भी ट्रिक वर्क नहीं करने वाला। अगर आप लोग के फ़ोन में जीजी माउस प्रो वर्क नहीं करता है, ओपन नहीं हो रहा है, की जो कि नहीं आ रहा है, और जो कि कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, माउस काम नहीं कर रहा है, जो भी काम नहीं कर रहा है, सारा प्रॉब्लम को आज की वीडियो में सॉल्व करने वाला हूं। तो यहां पे यार थोड़ा कीबोर्ड एंड माउस ये सब गंदा रहता है, क्योंकि जो कि दीवार है ना यार सामने के साइड इसका पुट्टी गिरते रहता है, तो इसको भी कराना पड़ेगा भाई, ठीक। बट यही है कि पैसे नहीं है भाई, कैसे घर भी ठीक नहीं करा सकते। तो यार सपोर्ट कर देना भाई और लाइक कर देना भाई, ठीक है। यार इस वीडियो को लाइक हम रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते हैं, कमेंट रखते हैं, ठीक है। कमेंट लाइक नहीं रखते, लाइक मैं हाइड करके रखता हूँ। तो इस वीडियो का कमेंट रखते हैं 100 कमेंट, ठीक है, करवा देना यार। तो चलो फिर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस देखो अपन लोग के पास फ़ोन है, ठीक है, तो चलते हैं प्ले स्टोर पर, यहाँ पर सर्च मारते हैं जीजी माउस प्रो। अगर वीडियो स्किप कर दिया ना भाई आप लोगों ने, तब भाई मुझे मत बोलना कि भाई यार क्या झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक देखना, इसको डाउनलोड होने देते हैं। और जो कि आप लोग के फ़ोन में कीबोर्ड वर्क नहीं कर रहा है, माउस वर्क नहीं कर रहा है, माउस कर्सर काम नहीं कर रहा है, या जीजी माउस प्रो एक्टिवेशन नहीं हो रहा, सारा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना भाई, स्किप करने का गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है। और गाइस जो कि अपना देख सकते हैं यहाँ पे जीजी माउस प्रो डाउनलोड हो रहा है। और यहाँ पे गाइस आप लोग जो कि ये मत सोचना कि भाई यार स्किप कर देते हैं, क्योंकि यार हमें तो जीजी माउस प्रो डाउनलोड है ही, तो स्किप कर देते हो। तो यही गलती रहता है कि आप लोग पूरा बात नहीं सुनते हो और वीडियो को स्किप कर देते हो। देखो यहाँ पर बातचीत में अपना जो कि जीजी माउस प्रो भी हो चुका है इंस्टॉल, तो चलते हैं इसको ऑन करते हैं और इसको एक्टिवेशन करते हैं। और गाइस एक सेटिंग में और बताने वाला हूँ, जिससे आप लोग यहाँ पे अगर आप लोग के फ़ोन में वर्क नहीं कर रहा है तो बिल्कुल ही वर्क करने लगेगा, ठीक है। तो जो कि मैंने इसके ऊपर एक और पहले भी वीडियो बनाया है, बट वो बहुत लोगों ने देखा भी है, शायद 3-4 हज़ार लोगों ने, तो जिनका भी प्रॉब्लम होगा वो तो सॉल्व हो गया होगा, बट जिन्होंने नहीं देखा, नए बंदे हैं ना, तो उनके लिए भी ये वीडियो है। तो गाइस देखो एक्टिवेशन का पहले आप लोग को समझना पड़ेगा कि आप लोग एक्टिवेशन कैसे करें। अब बहुत लोग कहते हैं आप लोग सिंगल फ़ोन से इस सिजुकू वाले ऐप से कर सकते हैं जो कि ये वाला, तो गाइस मैं बता दूं अगर आप लोग को सिंगल ही फ़ोन से करना है तो जो कि वायरलेस एक्टिवेशन से करो, ठीक है। अगर आप लोग वायरलेस एक्टिवेशन से नहीं कर पा रहे तो बाय अनदर फ़ोन से करो, जो कि दो फ़ोन से होता है एक्टिवेशन, तो ये करो। अगर आप लोग को दो एक्टिवेशन फ़ोन का चाहिए तो मैंने वीडियो डाल रखा है चैनल पर, तो वो आप लोग देख सकते हो जाके। तो आप लोग को सिंगल फ़ोन से करना है तो सिंपली आप लोग यहाँ पर वायरलेस एक्टिवेशन पर क्लिक करने वाले और इसे कैंसिल करने वाले, और यहाँ पर दिखाए टर्न ऑफ डेवलपर ऑप्शन, ठीक है, फ्रॉम सेटिंग। तो यहाँ पे सिंपली अपन लोग को क्या करना है, डेवलपर ऑप्शन को ऑन करना है पहले। तो ऑन कैसे करेंगे, सिंपली अपन लोग चले जाएंगे अबाउट फोन के अंदर सेटिंग में, अबाउट फोन के अंदर जाने के बाद जो कि वर्जन लिखा है इस पर क्लिक कर देंगे, बिल्ड नंबर पे क्लिक करेंगे 6 से 7 बार, तो यहाँ पे देख सकते हो यार नाउ इन डेवलपर ऑप्शन मोड, मतलब यहाँ पे अपना ऑन हो चुका है, ठीक है। अब ये सब ऑन होने के बाद आप लोग का एडिशनल सेटिंग देख सकते हो आप लोग के सामने जो कि है, इस पर चले जाना है, नहीं तो आप लोग जो कि सर्च भी कर सकते हो तो वहाँ से भी आ जाएगा डेवलपर ऑप्शन। तो डेवलपर ऑप्शन देख सकते हो ये अपना आ चुका है, तो इस पर क्लिक कर देते हैं बेसिकली। अब इस पर क्लिक करने के बाद हमें जो कि अलाउ स्क्रीन ओवरले वाला सेटिंग ऑन करना है, ठीक है, और वायरलेस जो कि USB डिबगिंग है इसको ऑन कर देना है। अब यहाँ से अपन लोग को वायरलेस डिबगिंग को ऑन करना है, ठीक है, जो कि इसको मैं कैंसिल करता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो वायरलेस डिबगिंग है, इसको मैं ऑन करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो कनेक्ट है वाईफाई, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आप लोग को वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ेगा पहले, नहीं तो ये ऑन नहीं होगा, तो आप लोग ध्यान रखना एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर जो कि मैं ऑन कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर ऑन तो कर दिया है अपना, तो यहाँ पर देख सकते हो ऑन मैंने अपना वाईफाई कर दिया है यहाँ पर। अब गाइस देख सकते हो ये कनेक्ट हो गया मेरा वाईफाई। अब जैसे ही मैं इसे ऑन करूँगा तो यहाँ पे ऑन हो जाएगा, अलाउ कर देते से ऑन कर देते। अगर आप लोग के फ़ोन में जीजी माउस प्रो वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, तो अब आप लोग को क्या करना है, रिबूक USB डिबगिंग ऑथोराइजेशन पर क्लिक करना है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करते रहना है, तो इस पर क्लिक करते रहना है, करीब 6-7 बार टैप करना है इस पर। आप गाइस ये क्या किस लिए रहता है ना, रीबुक USB डिबगिंग का मतलब आप लोग के फ़ोन में कुछ भी है जो कि ऐप USB डिबगिंग से जो कि वर्क करता है, एक्टिवेशन होता है, अगर आप लोग इसको कर देते हो तो वो पूरा क्लियर हो जाता है, मतलब न्यू सा हो जाता है रीस्टार्ट। तो आप लोग का क्या रहता है ना, उससे फिर लिटरली पूरा वर्क करने लगता है अच्छे से, जो भी आप लोग का ग्लिच व्लिच है सारा सॉल्व हो जाता है। तो अगर आप लोग का यहाँ पर कीबोर्ड माउस कुछ भी वर्क नहीं करता है तो आप लोग रीबुक USB डिबगिंग इसको कर देना, ठीक है, तो आप लोग का ये हो जाएगा। तो होने के बाद सिंपली बैक करते हैं। अब चलते हैं जीजी माउस प्रो में, तो अब अपन लोग को जो कि एक्टिवेट ये ऑटोमेटिक अपने को मिल ही गया है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। तो इसे मैं अनपेयर कर देता हूँ, जो कि मुझे इसे दोबारा एक्टिवेशन मेरे को पेयरिंग कोड डालना पड़ेगा। और गाइस ये मैं इसे पहले से एक्टिवेशन कर रखा था ना, तो ये थोड़ा मुझे दिक्कत दे रहा है अभी, क्योंकि हो नहीं रहा है, देख सकते हो ये ऑटो एक्टिवेशन ले रहा है भाई अब। तो इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा, एक सेकेंड।
तो भाई लोग यहाँ पे तो मेरा ये ऑटो एक्टिवेशन हो ही गया क्योंकि मैंने एक बार इसे एक्टिवेशन कर रखा था। बट अगर आप लोग के फ़ोन में जो कि वर्क नहीं कर रहा है, तो आप लोग को जो कि मैंने रीबुक यूएसबी का बताया है ना, तो वो आप लोग ज़रूर से कर लेना, तो उससे आप लोग का सारा कुछ वर्क कर जाएगा। और यहाँ पर जो कि ये सब परमिशन मांगता है, इसे अलाउ कर देते हैं बेसिकली, ठीक है, और यहाँ से ये कर देते हैं। अब बहुत लोग का जो कि कहते हैं भाई हमारा कीबोर्ड ही वर्क नहीं कर रहा है, कीबोर्ड क्यों नहीं वर्क कर रहा है ना, आप लोग का देखो, आप लोग को सिंपली सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे एक सेटिंग होता है जो कि ऑन करना पड़ता है, जिससे कीबोर्ड माउस हमारा ओटीजी हो सके। तो ओटीजी यहाँ पे सर्च कर देना है, ओटीजी सर्च कर दिया, ओटीजी कनेक्शन आ चुका है, देख सकते हो ओटीजी का ये मतलब 10 मिनट बाद यहाँ पे लिखा है, देख सकते हो, जो कि 10 मिनट बाद ये आप लोग का ऑटो बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो 10 मिनट अगर आप लोग कीबोर्ड माउस नहीं कनेक्ट करते हो तो 10 मिनट बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है, बार बार ऑन करना पड़ता है इसे। तो यहाँ पे हो चुका है, आप प्लस पे क्लिक करते हैं, यहाँ से आप लोग गेम ऑन कर लेते हैं। अब गाइस आप लोग गेम में देखते हैं कि भाई क्या कुछ ग्लिच देखने को मिल रहा है। तो पहली बारी में जो कि जो काट नहीं रहा हूँ रो वीडियो बिल्कुल, तो यहाँ पे देख सकते हो जो कि मैं लगा लेता हूँ अपना ओटीजी, और देख सकते हो सारा की मैपिंग आ चुका है और यहाँ पे माउस कर्सर भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ठीक है, देख ही सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई वर्क नहीं कर रहा, कोई ग्लिच आ रहा है, सारा कुछ वर्क कर रहा है भाई प्रॉपरली। तो यहाँ पे जो कि इसका पूरा सेटअप करते हैं, तो चलो फिर एक सेकेंड रुकना गाइस। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो जो कि अपना गेम भी ओपन हो चुका है और यहाँ पे बिल्कुल भी मुझे कोई ऐसा ग्लिच देखने को मिल नहीं रहा है कि भाई ग्लिच हो रहा है, अब ये भाई अपना वर्क नहीं कर रहा है। तो जो कि मैं अपना यहाँ पे जीजी माउस प्रो का है ना, ये सारा कुछ हटा लेता हूँ, जो कि की मैपिंग रहता है ना, ये की दिख रहा है जो, इसका मैं कस्टम वुड जो कि हटा देता हूँ। सो ओडा इसको सिंपली ऑफ कर देना है, तो आप लोग का की मैपिंग सारा गायब हो जाएगा। आप गाइस गेम में चलते हैं, और बहुत लोग कहते हैं भाई हमारा वर्क नहीं कर रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। आप गाइस आप लोग के सामने मैंने एक्टिवेशन किया है, और गाइस जो मैं सेटिंग बताया हूँ ना, स्किप मत करना भाई वीडियो, अगर स्किप कर दिया ना आप लोगों ने, तब भाई आप लोग का लिटरली वर्क नहीं करने वाला है। और यहाँ पर तार से भाई पूरा भाई तहस नहस हो गया है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे गेम के अंदर चलते हैं और भाई देखने वाले कोई ग्लिच देखने को मिलता है कि नहीं, और थोड़ा सा साउंड बढ़ा लेते हैं कि गेम साउंड आएगा तब मज़ा आएगा खेलने का, है ना, तो इतना ठीक है। तो चलते हैं भाई गेम के अंदर, और यहाँ पे देख सकते हो जो कि अपने को कितना FPS मिल रहा है, 7 FPS मिल रहा है। और ये भाई फ़ोन भी बहुत कम लो वो है, लो रैम का है भाई, कितने GB रैम का होगा, 2-3 GB रैम का होगा। इसका साउंड आ रहा है, एक सेकेंड रुको रुको भाई, इसको बंद करने दो। और ये तार की वजह से ना मेरा ये जो कि माउस कर्सर ये ओटीजी हिल रहा है, आप देखना भाई, आप देखना कितना तगड़ा यहाँ पे गेम प्ले होगा। और लैग वैग कुछ भी देखने को नहीं मिला, 2 GB रैम का फ़ोन है, देखो 1 टैप लगती क्या, 1 टैप भाई देख सकते हो, ऐसा लगता है क्या 1 टैप यार, बताओ, देखो ये देखना, ये देखना, ये और बच गया, बच गया भाई, देख रहे हो ग्लू बॉल देखो, स्पीड देखो, मतलब सारा कुछ है भाई। और इतना तगड़ा गेम प्ले हो रहा है, मैं ज़्यादा गेम प्ले करूँगा नहीं, क्योंकि मेरा यार ये अगर मैं ज़्यादा माउस कर्सर को हिलाया ना, तो मेरा ये जो कि डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि OTG लगा हुआ है। और देखो एक और हेडशॉट भाई, मतलब इतना तगड़ा हेड मार रहा हूँ ना, क्या ही बोल सकते हैं ना। तो आप लोग के स्क्रीन में दिख ही रहा होगा कि क्या हेड लग रहे हैं, अरे भाई लग गया देख सकते हो भाई। और भाई कुछ ग्लिच नहीं, बिल्कुल तगड़ा वर्क कर रहा है, ऐसा लग भी नहीं रहा है कि कोई ग्लिच है, क्योंकि आप लोगों ने इसे क्या ही मस्त तरीके से अपडेट किया है ना, मतलब सारा सेटिंग को अच्छे से आप लोगों ने इसको किया है भाई, ठीक है। और यहाँ पे बंदा आ रहा है भग के, और जो कि मेरा माउस, अब इसे लगाते हैं हेडशॉट और वीडियो करते भाई तगड़ा वाला एंड, बच गया भाई ये बंदा, चलाते जा रहा है गोली, मैं चलाऊँगा ना तो मेरा भी लगेगा हेड, बट मैं यहाँ पे 1 टैप की कोशिश कर रहा हूँ कि 1 टैप इसे दूँ, और दे दिया 1 टैप। तो चलो भाई बताना वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं किसी खतरनाक वीडियो के साथ।